आ गए सबके सब। पेपर कैसा रहा कल का? अच्छा था सर। अच्छा था, इजी था या डिफिकल्ट? इजी था या डिफिकल्ट? एवरेज था सर। मैंने तो 16 बच्चे ही ज्वाइन किए। चलो, हम प्रीवियस क्लासेस में जहाँ थ्योरी छोड़े थे उसमें क्वेश्चंस करते हैं, फिर आगे की थ्योरी के बारे में बात करते हैं। लिखे नेक्स्ट क्वेश्चन। लिखो अगला क्वेश्चन, लिखो। Find the equation of the circle find the equation of the circle which touches both the axes and the straight line. इतना लेट तक सब ज्वाइन करता रहेगा? रे, समय पे ज्वाइन कर लिया करो। फिर से हम क्वेश्चन रिपीट कर रहे हैं। फाइंड द इक्वेशन ऑफ द सर्कल विच टचेज बोथ द एक्सिस and the straight line and the straight line 4x plus 3y plus 6 4x plus 3y equal to 6 in the first quadrant and lies below it फिर से रिपीट कर दे रहा हूं। फाइंड द इक्वेशन ऑफ द सर्कल विच टचेज बोथ द एक्सिस एंड द स्ट्रेट लाइन 4x प्लस 3y इक्वल टू 6 4x प्लस 3y इक्वल टू 6 इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट एंड लाइज बिलो इट।
सर बन जाएगा, बताना पड़ेगा। क्वेश्चन फिर से समझ, एक बार अगेन रिपीट कर देता हूं जो लेट से ज्वाइन किए हो, लेकिन ये गलती मत करो लेट से ज्वाइन करने का, समय पे ज्वाइन कर लिया करो, ठीक है। एक बार और क्वेश्चन रिपीट कर देते हैं। Find the equation of the circle which touches both the axis and the straight line 4x plus 3y equal to 6 in the first quadrant and lies below it. X axis, y axis. देखो सर्कल दोनों एक्सिस पर टच कर रहा है, ये दोनों एक्सिस को जब टच करने का मतलब ये है किसके सेंटर आपको पता है ना इक्वल होगा, क्योंकि जो रेडियस ये होगा वही रेडियस ये होगा, क्योंकि तो डिस्टेंस सेम होगा या रेडियस परपेंडिकुलर डिस्टेंस हो जाएगा, तो ध्यान दो रेडियस निकाल लोगे, अगर आप परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकाल ले तो आपको पता है कि कैसे परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकाल, इसमें कोऑर्डिनेट डालो यानी ये किस जगह पे डालोगे तो 4a प्लस 3a माइनस 6 डिवाइडेड अपॉन अंडर रूट 4 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर मॉडुलस, मॉडुलस है इसलिए होगा रेडियस, मॉडुलस हटा दो तो प्लस माइनस ही होगा, तो देखो 7a माइनस 6 16 प्लस 9 25 इक्वल टू प्लस माइनस ए, यानी 7a माइनस 6 इक्वल टू प्लस माइनस 5a, अगर प्लस 5a इधर लेके आते हो एक ये इक्वेशन मिला तो इसे सॉल्व करोगे तो 2a इक्वल टू 6 यानी a इक्वल टू 3, देयरफॉर दूसरा अगर माइनस लेते हो 7a माइनस 6 माइनस 5 है, इसको इधर लाओगे तो 12 a इक्वल टू 6 यानी a इक्वल टू 1/2, तो कोऑर्डिनेट जो तुमको मिला 1/2 कॉमा 1/2
लेकिन कंडीशन बोला है कि स्ट्रेट लाइन का बिलो और फर्स्ट क्वाड्रेंट में होना चाहिए, क्या दोनों पॉइंट एक ही तरफ है क्या? चेक करने के लिए क्या करेंगे, वो जीरो जीरो है, तो जीरो जीरो इस इक्वेशन में डालोगे सिक्स पे घर आके तो माइनस सिक्स, तो वन बाई टू इस इक्वेशन में डालो, इस इक्वेशन में फोर एक्स माइनस थ्री वाई माइनस सिक्स में है, वन बाई टू डालोगे तो फोर एट वन बाई टू माइनस थ्री वन बाई टू माइनस सिक्स इक्वल टू जीरो। तो ध्यान दो ये हो गया टू माइनस थ्री बाई टू माइनस सिक्स, ये क्या हो गया, ये लेस देन जीरो हो गया, इसमें डाले वैल्यू तो ये लेस देन जीरो हो गया। अगर थ्री कॉमा थ्री इसमें डालोगे तो ट्वेल्व माइनस नाइन माइनस सिक्स ये ग्रेटर देन जीरो हो गया, यानी वन बाई टू और थ्री बाई थ्री दो साइड में है, अपोजिट साइड में जीरो कॉमन जीरो इसमें डालोगे जीरो माइनस सिक्स भी लेस देन जीरो हो गया, यानी जब वन बाई टू डाला है जीरो जीरो एंड वन बाई टू सेम साइड में है बट जीरो 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 ये ओरिजिन से यहाँ की बात हो रही है एंड थ्री कॉमा थ्री अपोजिट साइड कंसीडर होगा नहीं, सर्कल लाइन के बिलो होना चाहिए, तो ये वाला तो नहीं फिनिश थ्री डज नॉट एग्जिस्ट ओनली देयरफॉर सेंटर इज 1 बाय 2 कॉमा 1 बाय 2 फिर सेंटर तुमको 1 बाय 2 कॉमा 1 बाय 2 है तो सर्कल का इक्वेशन x माइनस 1 बाय 2 का होल स्क्वायर प्लस y माइनस 1 बाय 2 माइनस एक्स प्लस वाई स्क्वायर प्लस वन बाय फोर माइनस वाई इक्वल टू वन बाई फोर वन बाई फोर वन बाई फोर कैंसिल आउट एलसीएम ले लो उसको माइनस वन इधर कैंसिल ले लो तो एक्स स्क्वायर फोर एक्स स्क्वायर प्लस फोर वाई स्क्वायर माइनस फोर एक्स माइनस फोर वाई प्लस वन इक्वल टू फोर डिवाइड में होगा तो बचा के फोर इक्वल हो गया फाइनल आंसर फोर एक्स स्क्वायर प्लस 4y स्क्वायर माइनस 4x माइनस 4y इक्वल कर लिया आपको माइनस 3 इक्वल टू 0। ये आंसर इस फॉर्मेट में, इस फॉर्मेट में छोड़ दो लेकिन सॉल्व करके छोड़ो तो ज्यादा बेहतर है। तो ये 1 बाई 4 1 बाई 4 हो गया, एक सेकंड रुको रुको 1 बाई 4 1 बाई 4 हो गया तो 0 होगा, 0 ये प्लस 1 ये लिखने की जरूरत नहीं है, 1 नहीं बचा रहा 1 बाई 4 4 बाई जल्दी से नोट कीजिए। अगर नहीं समझ में आया तो फिर से रिपीट करूंगा, पूछ लीजिएगा। Thank you.
हो गया आगे चले सबको समझ आया जो लेट आया होगा क्वेश्चन ही नहीं लिखा होगा मैं उसका क्या बोल सकता हूँ अरे चार इसी तरह से लेट ज्वाइन करो अभिजीत तुम अभिज्ञान तुम भी लेट जाओ ज्वाइन करो और लेट वाला कौन कौन है सत्य प्रकाश अनिद्या खूब लेट ज्वाइन करो कोई बात नहीं सौफिक शुभम बहुत सही है अच्छा जा रहे हो चलो नोट कर लिए तो अगला क्वेश्चन लिखो क्वेश्चन ये था कि दोनों एक्सिस को टच कर रहा है लाइन के बिलो सर्कल था सर्कल का इक्वेशन लिखना था तुम कल बता दूसरे की दोनों जब टच करता है तो कोऑर्डिनेट सेंटर का एक कॉमन ए होता है तो हम ये लाइन से और हमने क्या किया इस लाइन का ये सेंटर से परपेंडिकुलर ड्रॉ किया तो ये लेंथ हमें मिल गया ए ठीक है यहाँ से हमने ए की वैल्यू निकाला दो वैल्यू आ रहा थ्री और वन बाई टू वन बाई टू और थ्री थ्री और ओरिजिन जीरो जीरो देखा कि किधर है इसलिए 3.3 जो है वो सेंटर नहीं हुआ कि लाइन के उधर सेंटर नहीं बन रहा ठीक है तो सेंटर 1.2 आया तो सर्कल का इक्वेशन आसानी से लिख दिया चलो अगला क्वेश्चन लिखो ये क्वेश्चन इससे भी थोड़ा जानदार और जबरदस्त है उम्मीद करते हैं कि आप लोग नोट कर लिए होंगे लिखिए नेक्स्ट क्वेश्चन फाइंड द इक्वेशन ऑफ द सर्कल हाँ डीपी भी डाल दिया है मैथ्स ग्रुप में जरूर करने की कोशिश करना फाइंड द इक्वेशन ऑफ द सर्कल which touches y find the equation of the circle which is touches y y equal to x find the equation of the circle which touches by y equal to x has its center on the positive direction has its center on the positive direction of the axis positive direction of the axis and cuts off a chord of a length and cuts off a chord of length 2 units along two units line 3y minus x equal to 0 line 3y minus x equal to 0 जल्दी बनाने की कोशिश करो
क्वेश्चन क्या क्या बोल रहा है? कोई भी क्वेश्चन क्लासरूम में जो ले रहा हूँ बहुत शानदार क्वेश्चन है। देख हम यहाँ पे डायग्राम पर बनाने में सीख सकते हैं। x axis y axis origin y equal to x एक लाइन है, y equal to x लाइन है। देखो बेटा तो ऐसे कुछ देगा y equal to x, ये लाइन तुम्हारा y equal to x है। क्या बोल रहा है क्वेश्चन कि find the equation of the circle which touched by y equal to x सेंटर ऑन द पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ द एक्स एक्सिस। सेंटर कहीं इधर होगा और सर्कल इसको टच कर रहा है, ठीक है। अरे क्या कर रहा, ये कुछ इस टाइप का सर्कल है, सेंटर यहाँ पे। अगर x एक्सिस पे सेंटर है यानी y 0 यानी 1, 0। दूसरा क्या बोला है कि ये लाइन क्रॉस कर रहा है। इसके आगे बोला है कॉर्ड ऑफ लेंथ 2 यूनिट अलोंग द लाइन, ये लाइन क्रॉस कर रहा है, लाइन क्रॉस करेगा। अगर x 0 तो बेटा y भी 0, ये भी लाइन सेंटर से क्रॉस करेगा, लेकिन कुछ ऐसे करेगा। यहाँ से आप तक की लेंथ 2 units है, ठीक है। अब एक काम करो, इससे इसको परपेंडिकुलर क्रॉस करोगे तो ये रेडियस तुमको देगा, और इस पर भी परपेंडिकुलर ड्रॉ करोगे तो परपेंडिकुलर ड्रॉ नहीं होगा, सब रेडियस ही है। अब क्या करो, सी से इस पॉइंट को पी मान लो, इसको एम मान लो, और इस पे कोण पे परपेंडिकुलर ड्रॉ करो। ये एन मान लो, ये कॉर्ड पे ड्रॉ किया तो कॉर्ड को इक्वल बाइसेक्ट करेगा। अगर ये पी एस इस पॉइंट को क्यू ले लेते हैं, क्यू भी 1 यूनिट, एम पी भी 1 यूनिट हो जाएगा, क्योंकि पी क्यू का लेंथ 2 यूनिट दिया हुआ है। यही क्वेश्चन है, अब इसी को सॉल्व करना, डायग्राम बन गया। तो पहले हम इस लाइन पे कोऑर्डिनेट डालेंगे और रेडियस निकालेंगे, ठीक है। तो रेडियस निकालने के लिए कितना है, इसके नीचे है यानी इसके ऊपर है पॉजिटिव, तो रेडियस को दोनों ने पॉजिटिव ले लेते हैं। यहाँ पे y इक्वल टू x यानी y माइनस x इक्वल टू 0, इसमें 1, 0 डालो तो रेडियस r इक्वल टू y के जगह पे 0 डालोगे, x के जगह पे 0 माइनस a अपॉन अंडर रूट 1 का होल स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर मॉडुलस 0 माइनस a यानी a 1 स्क्वायर प्लस 1 इनटू 2, रेडियस द्वारा a / रूट 2 आ गया। अब देखो ये 1 यूनिट है और ये c से p, ये जो है ये जो तुम्हारा a / रूट 2 है, तो हम ये लिख सकते हैं, ध्यान दो, cp स्क्वायर इक्वल टू cn स्क्वायर प्लस pn स्क्वायर pc स्क्वायर। इस cp स्क्वायर इक्वल टू cn स्क्वायर प्लस np स्क्वायर या pn स्क्वायर। अब cn का लेंथ, ये लेंथ निकालने के लिए इस लाइन पे डालो, तो
सी एल एन क्या हो जाएगा, सी एन इक्वल टू सी एन निकाल लेते हैं क्या जरूरत पड़ेगा, इक्वेशन में डालोगे ए कॉमा जीरो तो थ्री इंटू जीरो माइनस ए अपॉन अंडर रूट थ्री का स्क्वायर प्लस वन माइनस वन का होल स्क्वायर, ठीक है इसका मिला हुआ रेडियस है PN का लेंथ ये 1 यूनिट है प्लस 1 का होल स्क्वायर, यहां दे दो a बाय a स्क्वायर बाय 2 इक्वल टू a स्क्वायर बाय 4 प्लस 1, a स्क्वायर बाय 4 को इधर लेके आ जाओ, a स्क्वायर बाय 2 माइनस a स्क्वायर बाय 4 इक्वल टू 1, अब ध्यान दो ये हो जाएगा a स्क्वायर बाय 2 माइनस a स्क्वायर बाय 4 टू 4 का एलसीएम हो गया 4 होगा, ठीक है और 2a स्क्वायर माइनस a स्क्वायर बाय 4 हो जाएगा यानी a स्क्वायर बाय 4 इक्वल टू 1, तो a स्क्वायर इक्वल टू 4 तो a की वैल्यू प्लस माइनस 2, लेकिन हमें पॉजिटिव डायरेक्शन में इसको मानी तो देयरफॉर a की वैल्यू पॉजिटिव 2 होगा, a पॉजिटिव 2 दैट मींस कि सेंटर 2,0 और रेडियस r इक्वल टू क्या है a बाय रूट 2 यानी a बाय रूट 2 करने का मतलब 2 बाय रूट 2 यानी वैल्यू आ गया तो सेंटर और रेडियस मिल गया, सर्कल का इक्वेशन लिख लो x माइनस 2 का होल स्क्वायर प्लस y माइनस 0 का होल स्क्वायर इक्वल टू 2 का होल स्क्वायर यानी x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 4 प्लस y स्क्वायर इक्वल टू 2, 2 को इधर ले लिया जाओ x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर माइनस 4x प्लस 2 इक्वल टू 0, यही आंसर है। किसी स्टेप में दिक्कत समझने में है तो जरूर कुछ लोग को पहले नोट कर लो। पहले ये आर निकालो फिर लेंथ सी एन निकालो इसमें डालो फिर ए की वैल्यू निकालो, हाँ ए में लिख लेना ए डज नॉट इक्वल टू माइनस टू पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्स बोल रहा है तो ए इक्वल टू 2 होगा। सब बुझी बा सारे को समझ आ रहा है? यस यस सर जी सर। बहुत बच्चे अभी भी ज्वाइन नहीं किए, वाह सही, 100 नहीं दिख रहा, जो 100 से मैथ पढ़ती थी तो भागे निकली, अब सेंड करेगी बीच में एक क्लास मिस फिर कुछ नहीं समझ आएगा, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री चाहे कोई भी मैथमेटिक्स अब्सेंट का मतलब कि वो चैप्टर से हाथ धो लो, बार बार बोलते रह रहे हैं कि टाइम पे ज्वाइन करो अब्सेंट मत हो, कहाँ का मानने वाले हो तू लोग, तो एक दिन बुक उल्टोगे पूरा का पूरा कालिदास की तरह याद हो जाएगा उसके बाद तो चैंपियन हो जाओगे।
देखते पावर घंटा किसी को डाउट इस क्वेश्चन में नोट कर लिया तो इरेज करो यस सर अरे प्रकाश दास तू है कि नहीं रे यस सर हूँ ठीक नहीं रहा हाँ दिख रहा हाँ 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 बहुत सौम्या नहीं है हर्षिता नहीं है ऐसे बहुत बच्चे नहीं जो तीनों डिस्कवर की लकड़ी थी मैथ केवल पढ़ती थी एग्जाम नहीं देती थी वो सब भी गायब है ना सही है चलो बहुत हिम्मत चाहिए मैथ करने के लिए रेज करो उम्मीद करता हूँ सबने नोट कर लिया सेकेंड डोज किसी ने लिया कि नहीं बेटा नो सर 28 डेज के बाद ही लोगे ना ठीक है सर अरे जल्दी सेकंड डोज लेके आ जा उसके अब ऑनलाइन ऑनलाइन वो मजा नहीं आता देख नहीं पाते ना हमारे मतलब की बहुत दिन हो गया ना क्या राहुल राहुल अरे नहीं yes, सुना Yes. सबको पीटे हुए बहुत दिन हो गया पांडा ब्रदर्स है चल लिख हेडिंग डाल पोजीशन ऑफ ए पॉइंट विद रेस्पेक्ट टू अ सर्कल Position of a point with respect to a circle. लिख थोड़ा और उसके बाद हम डायग्राम बनाते हैं Let the circle Let the circle be x square plus y square plus 2gx plus 2fy plus c equal to 0. Let the circle be x square plus y square plus 2gx plus 2fy plus c equal to 0. ये सेंटर है विद सी माइनस डी कॉमा माइनस एफ होगा यहां तक तो किसी को शक नहीं होना चाहिए सर्कल का इक्वेशन पता है प्लस वाई स्क्वायर प्लस टू जी एक्स प्लस टू वाई प्लस सी इक्वल टू जीरो एज ए सेंटर माइनस डी कॉमा माइनस एफ कहीं पर पॉइंट पी है जो बाहर की तरफ ले रहा हो जो एक्स वन कॉमा वाई वन है एक पॉइंट ले रहा हूँ सेम पॉइंट पी में भी वो सर्कल के सर्कमफेरेंस का हो और कहीं पर पॉइंट पी जो सर्कल के अंदर हो ठीक है सबका कोऑर्डिनेट एक्स वन कॉमा वाई वन है लिखो पॉइंट पी लाइज आउटसाइड पॉइंट पी लाइज आउटसाइड comma on comma or inside the circle point p lies outside on comma or inside the circle accordingly as cp is greater than equal to
greater than comma equal to or less than the radius respectively. This is samjho. अगर दो तरीके से इसको लिख सकते हैं, रेडियस जो फॉर्मूला है तो एक्स वन अगर एक्स वन डालो एक्स वन प्लस डी का होल स्क्वायर प्लस वाई वन प्लस एफ का होल स्क्वायर अंडर रूट फॉर्म ये होगा रेडियस का, या दूसरा जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी, ठीक है। अगर हम ये कोऑर्डिनेट डाल दें एक्स वन वाई वन तो ये रेडियस हो गया। तो देखो ये जो वैल्यू होगा एक्स वन प्लस बी का होल स्क्वायर प्लस वाई वन प्लस एफ का होल स्क्वायर अंडर रूट रेडियस के फॉर्म में आ जाएगा। ये वैल्यू या ग्रेटर देन हो, ग्रेटर देन होने का मतलब कितनी आउटसाइड इक्वल टू हो पी ऑन द सर्कल, अगर लेस देन हो किससे इससे जो इसका रेडियस है इस इक्वेशन का रेडियस, और इसमें हम एक्स वन वाई वन सब्स्टिट्यूट करने पे फिर रेडियस जो आ रहा है। या दूसरे तरीके से समझो कि सर्कल के केस में एस मान लेते हैं, एस मान लेते हैं एक्स वन एक्स और वाई की जगह एक्स वन वाई वन डालो एक्स वन स्क्वायर प्लस वाई वन स्क्वायर प्लस टू जी एक्स वन प्लस टू एफ वाई वन प्लस सी, अगर ये ग्रेटर देन जीरो है तो आउटसाइड आउटसाइड द सर्कल, अगर इक्वल टू जीरो है ऑन द सर्कल एग्जैक्ट रेडियस हो, अगर मतलब सर्कमफेरेंस जो पॉइंट की वैल्यू लेस देन जीरो है तो इनसाइड द सर्कल, द पॉइंट भी आउटसाइड द सर्कल हो जाएगा। यहां पे किसी को कोई दिक्कत? यहाँ तक किसी को दिक्कत? नो सर। लिख लिए तो अगला हेडिंग डालो। यस सर वो ही। उम्मीद करते हैं सब लिख लिया होगा। मैक्सिमम एंड मिनिमम डिस्टेंस मैक्सिमम एंड मिनिमम डिस्टेंस ऑफ ए पॉइंट फ्रॉम द सर्कल मैक्सिमम एंड मिनिमम डिस्टेंस ऑफ ए पॉइंट फ्रॉम द सर्कल देखो यही तो प्लानिंग करते हैं। सर्कल लिया, यहाँ पे सेंटर है सी माइनस डी कॉमा माइनस एफ, ठीक है। यहाँ पे पॉइंट, चाहे यहाँ पे पॉइंट ए ले लेते हैं, पॉइंट बी ले लेते हैं,
यहाँ पे पॉइंट पी है, इसके कोऑर्डिनेट एक्स वन कॉमा y1, और यहाँ पर भी पॉइंट पी है जिसका सेम कोऑर्डिनेट है एक्स वन कॉमा y1, या पी बाहर होगा और अंदर होगा तो क्या होगा, मैक्सिमम और मिनिमम डिस्टेंस। सर्कल का इक्वेशन सेम है, रेडियस भी सेम हो, ठीक है। अब देखो अगर हम अंदर की बात करें, ठीक है, तो मैक्सिमम और मिनिमम लेंथ की हमें बात कर रहा हूं, ठीक है। अगर हम पीए लेंथ की बात करें, पीए लेंथ की पी से ए तक, तो ध्यान दो, एक तो होगा यहां से ए बी प्लस पी, अगर पीए लेंथ की बात करें तो ए बी, या ऐसा सोचो पूछो ए सी, ए टू सी प्लस सी टू पी, ठीक है। अच्छा अगर अगेन हम पीए लेंथ की बात करें, ठीक है, अगेन हम पीए लेंथ की बात करें तो यहां पे क्या हो सकता है, ये सी टू पी, सी टू पी ये लेंथ बन गया, सी टू सॉरी सी टू पी इधर की लेंथ लग गया, सी टू पी ऐसे मत देखो तो गड़बड़ हो जाएगा, सी टू बी माइनस पी टू बी, सी बी माइनस पी बी, ये बात समझ आ रहा है। या इससे ज्यादा फायदा नहीं है, हमने पी भी लेंथ निकालते हैं, ठीक है, मैक्सिमम और मिनिमम डिस्टेंस पूछा जा रहा है ना, तो ये पी है तुम्हारा तो मैक्सिमम डिस्टेंस है जहां पे हमने AC प्लस PC ऐड किया, मिनिमम डिस्टेंस PB होगा, ठीक है, तो PB इक्वल टू तुम लिख सकते हो PC माइनस CB, यहां से यहां तक इस पॉइंट से इस पॉइंट तक मैक्सिमम डिस्टेंस और यहां से यहां मिनिमम डिस्टेंस, तो ध्यान दो AC का जो लेंथ रहेगा ये इक्वल टू आर प्लस सी पी, ठीक है, और पीवी का लेंथ है तो पीसी माइनस सी बी, यानी ये लेंथ आर पीसी माइनस आर, यानी पीसी माइनस आर, यानी रेडियस लिख सकते हो अंडर रूट जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी प्लस सी पी, और इसे लिख सकते हो, और ये लेंथ मॉडुलस में भी हो सकता है, प्रसारण मतलब जी स्क्वायर प्लस एफ, पीसी माइनस जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी, पहले हम आपको इतना आगे डिस्कस करता हूं। ये पी अंदर भी हो सकता है बाहर भी, चीज को मॉडुलस नहीं करोगे तो ऑब्वियस आपको सी पी नहीं होगा, ठीक है, इसे मॉडुलस में यूज करो। आप तुमको मैं एक चीज बताता हूं, ध्यान देना, ये कि देख आप सी पी का जो लेंथ होगा अगर ये ग्रेटर देन आर है, CP इक्वल टू ग्रेटर देन आर, रेडियस से बड़ा है C से P का लें, तो आउटसाइड द सर्कल, अगर CP इज लेस देन
आर है तो इनसाइड द सर्कल देखो हम तो ये तो बताने जा रहे हैं अगर पी अब ये अंदर वाला चीज भूल जाओ सेंटर है और ये पी है पी बाहर है तो रेडियस प्लस पीबी ठीक है सेंटर से अगर हम बात करें तो सेंटर आर प्लस पीबी ठीक है जैसे एसी प्लस सीपी आया है ठीक है तो अगर हम शॉर्टेस्ट मैक्सिमम डिस्टेंस पर पी का सर्कल से यहां नहीं यहां होगा तो देखो ए टू पी तक जाने के लिए एसी का लेंथ प्लस पी से सी तक का लेंथ तो मैक्सिमम लेंथ और मिनिमम लेंथ आउटसाइड है तो ये यानी सी से पी तक का लेंथ माइनस आर फिर से समझो सी आउटसाइड है इसका मैक्सिमम डिस्टेंस यहां से नहीं ना सेंटर से इस साइड से होगा ना तो यहां से यहां तक का डिस्टेंस आर और सी से पी तक का लेंथ निकालोगे पी कोऑर्डिनेट यहां डालोगे जो ये पॉइंट आया इससे हम सी से पी तक का लेंथ निकालेंगे और सी से पी तक का लेंथ अगर पी आउटसाइड है तो रेडियस से बड़ा होगा अगर पी वहां छोड़ दो इन साइड है इन साइड इन साइड के लिए मैक्सिमम लेंथ क्या होगा आर प्लस सीपी ठीक है और देखो अगर मिनिमम लेंथ क्या होगा ये पीबी यानी आर माइनस सीपी इसीलिए पीसी माइनस सीपी मॉडुलस यूज किए हैं कि अगर आउटसाइड होगा तो सीपी माइनस आर इनसाइड होगा तो आर माइनस सीपी तो पहले ये डिसाइड करना होगा तुम्हें किससे मैं करता हूं कि पॉइंट आउटसाइड है या इनसाइड देखो और तुम लोगों से मैं सर्कल लिया यहां सेंटर है पॉइंट पी यहां पे ये सेंटर है ठीक है अब देखो ये पॉइंट पी सबसे नजदीक किया है सर्कल से सेंटर से सर्कल के सर्कम्फ्रेंस से तो ये सी है सेंटर यहाँ पे ए है तो देखो ये डिस्टेंस क्या होगा और माइनस सीपी मिनिमम डिस्टेंस मिल गया ये मिनिमम डिस्टेंस तुम्हारा मिला अच्छा मैक्सिमम के लिए यहां से ड्रॉ करो ये लेंथ बी टू पी तो ये डिस्टेंस मैक्सिमम बी पी है ये मिनिमम हो गया पी है मैक्सिमम पी बी इक्वल टू ये लेंथ आर प्लस सी पी ये हो गया मैक्सिमम अगर सर्कल आउटसाइड है ये ध्यान पॉइंट आउटसाइड यहां पी है सेंटर ठीक है ये पॉइंट ए लेते हैं ये पॉइंट बी लेते हैं शॉर्टेस्ट डिस्टेंस ये क्या हो गया पीबी तो पीबी के लिए सीपी माइनस सीबी यानी सीपी माइनस आर ये मिनिमम तुम्हें मिला ठीक है अब देखो मैक्सिमम क्या होगा पी ए तो पी ए इक्वल टू आर प्लस सीपी ये मैक्सिमम देखो मैक्सिमम आर प्लस सीपी आर प्लस सीपी मैक्सिमम का सेम है मिनिमम में चेंज हो रहा है सीपी माइनस आर है या आर माइनस सीपी है तो सर्कल आउटसाइड पॉइंट आउटसाइड हो या इनसाइड जब मिनिमम डिस्टेंस निकालना होता है इसीलिए लिख लेते हैं सेंटर से जो पॉइंट का डिस्टेंस है माइनस आर मॉडुलस ठीक है तो इससे हमको दोनों मिल गया सीपी मॉडुलस पाओगे अगर प्लस हो गया तो प्लस होने पे ये होगा आउटसाइड वाला और माइनस होने पे माइनस लगा दो आर माइनस सीपी होने पे इनसाइड वाला
इसीलिए आप यहाँ पे मॉडुलस चेंज कर लिया PC माइनस आर। उम्मीद करते हैं कि ये चीजें समझ आ गया होगा। जल्दी से नोट कर लीजिए, मैं ये शॉर्ट में यहाँ बताया। चलिए क्वेश्चन लिखे। बोलो क्वेश्चन। हेलो। यस सर। यस सर। इतना देर लगाओगे? फाइंड द ग्रेटेस्ट डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट पी। फाइंड द ग्रेटेस्ट डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट पी 10.7 from the circle x square plus y square minus 4x minus 2y minus 23 equals 0. Find the greatest distance of the point P jo hai 10.7 hai from the circle se kya x square plus y square minus 4x minus 2 minus 20 equal to 0. एक सेकेंड में हो जाना चाहिए। पहले क्या ढूंढना है, पॉइंट डालने के बाद वैल्यू क्या आ रहा है, और इस इक्वेशन का रेडियस ढूंढ लो, तो कुछ भी कर सकते हैं। कौन है रे, कुकुर घुस गया इधर इसमें? कौन ऐसे बोल रहा था, किसका माइक ऑन था? अपने क्वालिटी का प्रदर्शन करता है क्या रे? कोई ना कोई तो था ही, रहते रहते ये कुत्ते बिल्ली वाला आवाज निकालने लगते। जा रहा है कि रिकॉर्डिंग हो रहा है, तुम्हारा क्लास में रिकॉर्डिंग होता है, गधा से सुन गया। एक के कारण सब बदलाव। चल आंसर बताओ इसका, क्या रहा है, क्या चला है? नंदन सर निकाल रहा हूँ सर। इतना देर लगेगा? अरे रेडियस क्या आया? रेडियस आर जो होता है जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी, यही तो आएगा। वहां से जी क्या है, माइनस टू, एफ माइनस वन, सी 20, माइनस टू का होल स्क्वायर प्लस माइनस वन का होल स्क्वायर माइनस माइनस 20, क्या हो गया 4 5 प्लस 20 25 25 रेडियस वाला 5 आ गया, और उसमें पॉइंट निकाल रहे हैं, पॉइंट आपको 10.7, 10 का स्क्वायर प्लस 7 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू 10 माइनस 2 इंटू 7 माइनस 20, ये देखो कितना होगा 100 प्लस 49 माइनस 40 माइनस 14 माइनस 20 74, यानी 26 प्लस 49 ये कितना हो गया 75। ये जो लेंथ जो है सेंटर से पी तक का क्या हो गया 75। तो मैक्सिमम डिस्टेंस, ग्रेटेस्ट डिस्टेंस का मतलब कि मैक्सिमम डिस्टेंस,
maximum distance AL plus radius in 75 plus 5 answer kya aa gaya 80 units. एक सेकेंड, ये डिस्टेंस के लिए अंडर रूट यूज करना किसी हो गया, ये जो डिस्टेंस निकालने के लिए वाई यूज किया था ना अंडर रूट, अंडर रूट यूज करना ठीक है, अंडर रूट यूज करना और नहीं तो डायरेक्ट ऐसा भी मत करना, इससे ज्यादा ये तरीका है. रुको रुको, इससे ये तरीका बता दो जो हमने लिखा था, जो डिस्टेंस सी से पी तक का डिस्टेंस को अंडर रूट एक्स वन प्लस जी का होल स्क्वायर प्लस वाई वन प्लस एफ का होल स्क्वायर. एक्स वन क्या है, एक्स वन टेन है, जी क्या था, जी माइनस टू था, तो टेन माइनस टू का होल स्क्वायर प्लस वाई वन क्या था, सेवन. एफ क्या है, एफ वन था, तो माइनस वन का होल स्क्वायर ठीक है, माइनस वन था, ये वैल्यू क्या हो गया, सिटी का डिस्टेंस निकलेगा, टेन माइनस टू एट का आंसर 64 प्लस 636 आ गया 100, ये टेन आ गया. तो मैक्सिमम डिस्टेंस आर प्लस सीपी, आर प्लस सेंटर से पॉइंट तक का डिस्टेंस 35 प्लस 10 टोटल मैक्सिमम डिस्टेंस 15 होगा. चलो नेक्स्ट क्लासेस मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में, उम्मीद करते हैं कि आप लोग कर लिए, डीपीपी जो दिया हो कर लेंगे, उम्मीद करते हैं कि आप लोग बना लिए होंगे. अरे वाह, शास्त्री तो करेक्ट आ गया. चलो आज के लिए यही तक, मिलते हैं फिर नेक्स्ट एपिसोड में. थैंक यू सर. थैंक यू सर.